हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। माई सेल्फ संजीव कुमार, यू आर वॉचिंग सेव लाइफ चैनल। आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करेंगे नेटवर्किंग स्किल्स के बारे में। एक नेटवर्कर को अपने आप में कौन सा स्किल डेवलप करना है, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रोफेशन है। प्रोफेशन में अगर आपको सक्सेस और सफलता चाहिए तो आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। इस दुनिया में कोई भी प्रोफेशन में लोग सफल और सक्सेस तब बने हैं तो उस प्रोफेशन को लेके प्रोफेशनलिज्म अपने आप में डेवलप किया है। उसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन में भी अगर हमें सक्सेस चाहिए, सफलता चाहिए, तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बनना जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बनने के लिए अपने आप में कुछ नेटवर्किंग स्किल्स को हमें अपडेट करना पड़ेगा, अप टू डेट करना पड़ेगा। तो वो क्या स्किल है, वो कौन सा स्किल है, उसके ऊपर हमें काम करना है। स्किल डेवलपमेंट एक कला है, उसके लिए आपका एजुकेशन और आपका बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है। स्किल डेवलपमेंट आप कर सकते हो, उसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करने की तैयारी रखना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक एवरीथिंग परफेक्ट, इसलिए प्रैक्टिस करके हम हमारे अंदर स्किल्स को डेवलप कर सकते हो और हम अप टू डेट हो सकते हैं। एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल को कौन सा स्किल अपने आप में डेवलप करना चाहिए, वो किस प्रकार से उसको डेवलप करके लेना है, उसके बारे में हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। प्रोफेशनल नेटवर्कर को डेवलप करने का पहला स्किल है लर्निंग स्किल। इस दुनिया का कभी ना खत्म होने वाला प्रोसेस है, वो है लर्निंग। लर्निंग जिस दिन बंद हो जाएगा, उस दिन हमारा आगे बढ़ने का रास्ता भी बंद हो जाती है। इसलिए हमेशा लर्निंग करने की आदत रखना पड़ेगा, सीखने की आदत रखना पड़ेगा, स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन में। नेटवर्क मार्केटिंग एक पब्लिक ओरिएंटेड सेक्टर है, वहाँ पे एवरी डे हमें नया नए सवालों की सामना करना पड़ेगा। इसलिए जवाब देने के लिए हमें एवरी डे लर्निंग एटीट्यूड के साथ में मार्केट में निकलना पड़ेगा, लर्निंग स्किल हमें डेवलप करना पड़ेगा। ऐसे बोला जाता है, अगर आप सीखने की तैयारी रखेंगे तो सिखाने के लिए दुनिया तैयार बैठे है, बहुत सारे लोग आपको सिखाने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन हमारे अंदर वो स्किल डेवलप करना जरूरी है, लर्निंग स्किल। आप जितना सीखने की तैयारी रखोगे उतना ही आपको ए फील्ड में, ए प्रोफेशन में आगे बढ़ने का चांसेस ज्यादा रहेगा। तो इसलिए एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एक स्किल है नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल के लिए, लर्निंग स्किल। नंबर टू, रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल। नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन कंप्लीटली चलते हैं रिलेशनशिप से। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अगर हमें सफलता और सक्सेस चाहिए तो हमारे अंदर रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बिजनेस में कोई भी व्यक्ति आपके साथ में तब एसोसिएट होता है तो आपका और उनका रिलेशन के ऊपर निर्भर है। ये बिजनेस टोटल रिलेशनशिप का खेल है और रिलेशनशिप का गेम है, इसलिए हमारा रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल को अच्छी तरीके से डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमें हमारा रिलेशन को मेंटेन करना और हमारे साथ में जो नए रिलेशनशिप बिल्ड करना, ये सारे स्किल को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, तब जाके ये बिजनेस में आप लंबे टाइम तक और अच्छे खासे लेवल तक सक्सेस और सफलता हासिल कर सकते हैं। इसलिए हमें अच्छे प्रोफेशनल नेटवर्कर बनने के लिए रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। नंबर थ्री, इन्विटेशन स्किल। इन्विटेशन एक कला है और उस कले को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में लोग अलग अलग प्रकार के हैं और उनका नीड भी अलग अलग है, और उनके नीड के अनुसार हमें इनविटेशन देना बहुत ज़रूरी है। हर एक व्यक्ति को सेम इनविटेशन आप देने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे फ्लॉप होने का चांसेस है, इनविटेशन फेल होने का चांसेस है। अगर इनविटेशन फेल हो गया तो आपका बिजनेस फेल हो जाते हैं, इसलिए इनविटेशन स्किल डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। लोगों को नीड को और उनका प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके आपको अलग अलग लोगों को अलग अलग इनविटेशन देने की स्किल अपने आप में डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्किल है, इन्विटेशन स्किल। नंबर फोर, प्रेजेंटेशन स्किल।
नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में प्रेजेंटेशन स्किल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, तो हमारे काम को हमें प्रेजेंट करना आना चाहिए। हम किसी के ऊपर डिपेंड रह के एक काम को करने की कोशिश करेंगे तो हम बहुत अच्छे लेवल पे सक्सेस और सफलता हासिल नहीं कर सकते। इसलिए हमारे काम को हमें करने के और सीखने की तैयारी रखना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन में अलग अलग प्रकार की प्रेजेंटेशन होती है, सभी प्रकार की प्रेजेंटेशन हमें सीखना पड़ेगा और हमें करने की तैयारी रखना पड़ेगा। ये एक स्किल है, इस स्किल को डेवलप करने की हमें तैयारी रखना पड़ेगा, तब जाके हमारा बिजनेस को अच्छा खासा मूव अप हम कर सकते हैं और बूम अप कर सकते हैं। तो ये स्किल भी एक इम्पोर्टेंट है, प्रेजेंटेशन स्किल। हमें प्रेजेंटेशन किस प्रकार से हमारा प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करना है, हमारा प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना है और हमारा अपॉर्चुनिटी को प्रेजेंट करना है, ये स्किल अपने आप में डेवलप करना जरूरी है। नंबर 5, फॉलो अप एंड क्लोजिंग स्किल। ये एक महत्वपूर्ण स्किल है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन में आप कितना प्रेजेंटेशन देते हो, कितना इनविटेशन देते हो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। फाइनली नेटवर्क मार्केटिंग में आपका इनकम आपका क्लोजिंग के ऊपर रिलेटेड है, तो क्लोजिंग आपको करना बहुत ज़रूरी है। क्लोजिंग के लिए आपको फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी है। फॉलोअप और क्लोजिंग स्किल हमारे अंदर डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। आप कितना भी बेहतरीन प्रेजेंटेशन दिया है और कितना भी बेहतरीन इनविटेशन दिया है, लेकिन आप फॉलोअप करके उस व्यक्ति से आप पेमेंट कलेक्ट नहीं करते हो, उसको क्लोज नहीं करते हो, तब तक आपका इनकम जीरो है। इसलिए ये स्किल डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका बिजनेस में आप तब सही तरीके से काम करेंगे, आपको उस बिजनेस से इनकम आएगा। तो इनकम आने के लिए आपको क्लोजिंग स्किल, फॉलोअप और क्लोजिंग स्किल के ऊपर काम करना पड़ेगा। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, क्योंकि हमारा मोटिवेशन और एनर्जी को बरकरार रखने के लिए हमें इनकम की जरूरत है, और इनकम तब मिलेगा आपका फॉलोअप और क्लोजिंग स्किल में आप काम करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्किल है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए और नेटवर्कर के लिए, फॉलोअप और क्लोजिंग स्किल। नंबर 6, मैनेजमेंट स्किल। नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैन मैनेजमेंट, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों की बिजनेस है, लोगों को संभालना एक बहुत बड़ा कलाकारी है। क्योंकि ऐसे बोला जाता है, इस दुनिया में अभी तक कोई भी चीज़ के बारे में पढ़ाई पूरा नहीं कर पाया वो है इंसान। इंसान का बिहेवियर कब कैसे होएगा उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। हम इंसान लोगों के साथ में, यानी लोगों के साथ में हमारा बिजनेस है, अलग अलग प्रकार के लोग हमारे टीम में अवेलेबल है, उन सारे लोगों को मैनेज करने की कलाकारी हमारे अंदर डेवलप करना ज़रूरी है। हर एक आदमी को किस प्रकार से हैंडल करना है और किस प्रकार से उनका प्रॉब्लम सॉल्व करना है और उनको मैनेज कैसे करना है, वो सारे कलाकारी स्किल के रूप में हमारे अंदर डेवलप करना जरूरी है। अगर ये कलाकारी अगर आपके अंदर आ गया तो आपका टीम सही तरीके से आप मेंटेन कर सकते हो, और आपका टीम हमेशा बिल्ड होएगा और आपका टीम हब कभी आपको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। इसलिए मैन मैनेजमेंट स्किल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं नेटवर्कर के लिए, एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन में। इसलिए ये स्किल के ऊपर हमें बहुत सही तरीके से, बेहतरीन तरीके से काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का जान है मैनेजमेंट स्किल। यहाँ पे लोगों को भी हमें मैनेज करना है, और उसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम्स को भी मैनेज करने के लिए हमें आना चाहिए। प्रॉपर मैनेजमेंट स्किल डेवलपमेंट के लिए आपको कुछ और स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, वो है सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल, दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, तीसरा है इम्प्रूव यूअर सोशल मीडिया यूसेज स्किल, और फोर्थ है सिचुएशन हैंडलिंग स्किल। ये सारे स्किल को अगर आप मेंटेन करते हुए अगर आप काम करेंगे तो आपका मैनेजमेंट स्किल एक मजबूत स्किल बन जाएगा, और ये मैनेजमेंट स्किल के ऊपर आप प्रॉपर तरीके से काम करेंगे, आपका एक प्रोफेशनल और एक मजबूत नेटवर्क बन सकते हैं। फ्रेंड्स, हमें एक परफेक्ट नेटवर्कर बनने के लिए इन सारे स्किल के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, इन सारे स्किल को हमारे अंदर डेवलप करने की काम करना पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन लीडरशिप क्रिएटिंग प्रोफेशन है। लोग लीडर को फॉलो करते हैं, हमें लीडर बनना पड़ेगा। लीडर बनने के लिए इन सारे स्किल्स के ऊपर हमें प्रॉपर तरीके से काम करना पड़ेगा, और हमारे अंदर प्रॉपर वे से, प्रॉपर तरीके से इन सारे स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा।
प्रोफेशनल बनने के लिए हमें स्किल डेवलप करना पड़ेगा, स्किल डेवलप करेंगे तो हम लीडर बनेंगे, लीडर बनेंगे तो हम लीड करेंगे। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। आपका कोई भी कमेंट हो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर मेंशन कीजिएगा, आपका हर एक सवाल के जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। आप सेवी लाइफ चैनल पे पहली बार आए हो, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आप हमें फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप लिंक में क्लिक करके हमें फॉलो कर सकते हो। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।